दोस्तों यहाँ पर फ्रीडिस का सेट ऑफ बॉक्स यहाँ पर रिपेयर के लिए आया है। इसमें असल में प्रॉब्लम क्या है, साउंड का दिक्कत है, बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। आ तो रहा है लेकिन थोड़ा सा कड़कल करके आ रहा है। यहाँ पर अभी इसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके सारे स्क्रू वगैरह खोल के इसको मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर जब ऐसी आवाज़ की प्रॉब्लम आती है, केबल की भी दिक्कत की वजह से भी हो सकता है, एक बार केबल अगर चेंज करके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपने कार्ड सेक्शन पे आपने एक काम करना है। चलिए इसको मैं पहले अलग कर लेता हूँ उसके ढक्कन को। तो चलिए अलग हो चुका है। तो इसमें जो साउंड की प्रॉब्लम आई वो किस वजह से आई आपको क्लियर कर देता हूँ। जिस भी बंदे का ये था उसमें ऑडियो की जो केबल रहती है, जो यहाँ से कनेक्टेड टीवी तक रहती है, तो वो केबल बीच से कटी हुई थी, आपस में जॉइंट हो गए उसके तार और ये दिक्कत देखने को मिली। ज़्यादातर इसी वजह से होता है, इसलिए जब भी आप कोई इसमें केबल यूज़ करते हैं तो आप सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से चेक कीजिएगा। ख़राब है, अगर कटी वटी है तो उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि आपके खतरे की वजह बन सकती है। अब यहाँ पर खराबी कौन से सेक्शन में आती है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इसको ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पर हम कार्ड को बाहर निकालेंगे। तो कार्ड को, ये स्क्रू है कार्ड के लिए स्क्रू, और यहाँ पर ये दोनों हम खोल लेंगे। उसके बाद कार्ड हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर हमने ये जो आईसी है, आप यहाँ पर आईसी देख रहे हैं, ये वाली, ये 4558 आईसी है, इसको हमने रिप्लेस कर लेना है। तो बहुत ही आसान तरीका होगा, चलिए अब आपको बता देता हूँ। तो कार्ड को बाहर निकाल लिया है, इसको आप थोड़ा सा क्लीन वगैरह कर सकते हैं। तो कार्ड में जो आईसी है, आप इसको फिर से आपको पहचान बता दूँ इसकी, इस कनेक्टर के जस्ट पास ये 8 लेग वाली आईसी है, चार एक तरफ वैसी आईसी यहाँ पर भी होती है, उसको मैं छेड़ेगा। तो यहाँ पर जो इस कनेक्टर के जस्ट पीछे जो आईसी होती है 4558 आईसी, इसी को हमने रिप्लेस करना है। तो इसे रिप्लेस करने से इसका प्रॉब्लम 100% सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, कुछ परसेंट का जो प्रॉब्लम आती है इस आईसी से आती है, इस आईसी से कम आती है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो ऑडियो के लिए बनी है ये वाली आईसी यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर इसका जो नंबर है 4558 करके है, आप या तो किसी भी पुराने कार्ड से निकाल के इसमें लगा सकते हैं, नहीं है तो आप परचेज करके इसमें लगा लीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसमें हमने लगाना है। तो इसको निकालना आपको बताऊँगा, फिर इसके बाद लगाना सिखाऊंगा। तो इसके निकालने की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो उसको बड़े वाले हम आयरन से ही निकालेंगे, असेंबली मशीन से भी आप निकाल सकते हैं, अभी मेरे पास है नहीं, तो इसको हम आयरन से ही निकालेंगे। और यहाँ पर जो कैपेसिटर, इसको मैं निकाल लेता हूँ ताकि यहाँ पर इसको निकालने में दिक्कत ना करे। तो इसको निकाल के हम किनारे कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले मैं कैपेसिटर को निकाल के अलग कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा पेस्ट वगैरह लगा लूँगा ताकि कैपेसिटर का जो लेग है वो थोड़ा सा ढीली हो जाए। तो यहाँ पर कैपेसिटर हमारा निकल चुका है, काफ़ी गर्म यहाँ पर हो रहा है, चलिए निकल गया है। अब यहाँ पर ये जो आईसी है इसके लैग को हम कैसे फ्री करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप पहले पेस्ट वगैरह लगा लीजिए इसके आईसी के लैग के पास, पेस्ट वगैरह दोनों तरफ से आप लगा लीजिए। पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सोल्डर का जो इसका मटेरियल रहता है, सोल्डरिंग का, वो लगा लेंगे आईसी के दोनों लेग में, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इस तरफ को। आईसी की एक मिनट आयरन को साफ कर लेता हूँ। तो सोल्डर लगाने से अब क्या होगा, इसकी दोनों लेग हम ढीली करेंगे। आप देखते रहिएगा, ये मेथड भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसके दोनों तरफ मैं लगा लेता हूँ। चलिए ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा आप लगा लीजिएगा। अब आईसी को हम निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ, इसको हीट करते रहेंगे, इस तरफ और इस तरफ हीट करते रहेंगे, इसको इस तरफ हीट करते रहेंगे। तो एक बार आईसी हमारी निकल के बाहर आ जाएगी। तो ऐसे करके हम इसको हीट देते रहेंगे। आप देखते रहिएगा, आईसी हमारी बाहर निकल के आ चुकी है। अब इसको हम इसके लेग देखते हैं। हाँ, बिल्कुल साबुत है, ये मेथड बहुत अच्छा है, लेग टूटती नहीं है, ये जो सॉरी इसके ट्रैक सॉरी प्रिंट होते हैं वो टूटते नहीं हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल 8 के 8 बिल्कुल साबुत हैं। अब दूसरी आईसी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आईसी की पोजीशन कैसी रहेगी ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आईसी की पोजीशन आपको बता देता हूँ कैसी रखनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए आईसी को बैठाने के लिए एक पॉइंट होता है, तो ये जो पॉइंट है
तो आईसी के जस्ट ऊपर एक पॉइंट रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आईसी दिखाता हूँ आपको, उसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट रहता है, पॉइंट का जो पॉइंट का पोर्शन रहेगा इस तरफ को रहेगा। जैसे कि आईसी आपको दिखाता हूँ, दूसरी आईसी मेरे पास है यहाँ पर, जो पुरानी आईसी थी वो मैंने सेट कर ली है। अब यहाँ पर मैंने आईसी इसके ऊपर जस्ट रख ली है। अब आईसी के ऊपर जो पॉइंट रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट क्लियर करके, थोड़ा सा और क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट रहता है, एक कॉर्नर पे इसके पॉइंट बना रहता है। अब देखिएगा, हाँ ये पॉइंट बना रहता है, उस पॉइंट का पोजीशन कुछ ऐसे रहेगा। तो ऐसे करके इसको रख लेंगे और वहाँ पर हम सोल्डरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। बस ऐसे करके इसकी पोजीशन हम रख लेते हैं। देखिए इसकी लेग को हम सेट बैठा देंगे, ये देखिए ऐसे करके। अब यहाँ पर हम लोग एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा और क्लियर करूँ, थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। हाँ ऐसे करके अब यहाँ पर इसकी लेग हम बैठा देंगे। यहाँ पर पेस्ट वगैरह लगा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट का ही आपने ध्यान देना है। अगर आपने उल्टा लगा लिया तो फिर आईसी आपकी ख़राब हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे तरीके से बैठा लेता हूँ। तो इस तरफ सोल्डरिंग हो गया हमारा, अब इस तरफ भी एक मिनट थोड़ा सा इसको और बाहर को मैं लूँगा, क्योंकि उस तरफ हमारा फिर जगह नहीं बचती है। तो थोड़ा सा और इसको इधर को लूँगा, हाँ ऐसे करके इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं पेस्ट लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है अपना, ये प्रॉब्लम जब क्रिएट करे तो आप पेस्ट वगैरह लगा के फिर इसको क्लीन कर सकते हैं। चलिए पेस्ट लगा लिया है, अब यहाँ पर हम इसको सोल्डिंग करेंगे। बड़ी वाले आयरन से मुझे सही लगता है, इसलिए मैं बड़े वाले आयरन का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। तो आप चाहें तो छोटे वाले का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सूटेबल हो वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट ज़्यादा एक मिनट, रंगा ज़्यादा फैल गया, इसको मैं सेट कर लेता हूँ पहले, एक मिनट। ऐसी को बाहर निकाल के पहले मैं क्लीन करता हूँ। हाँ क्लीन हो चुकी है, अब इसको बैठा देता हूँ दोबारा। अब इसको, हाँ सारी लग इस तरफ की सोल्डरिंग हो चुकी है, अब हाँ इस तरफ की सोल्डरिंग करना है अपने। चलिए तो ये भी लगभग सोल्डरिंग हो चुके हैं, एक बार इसको मैं क्लीन करके देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल इसकी लेग बिल्कुल बैठ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके इसके हम आईसी को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसे आप पेट्रोल वगैरह की मदद से क्लीन कर लीजिए, तो इसकी जो प्रिंट है बिल्कुल बैठ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्लीन वगैरह कर लूँगा मैं, उसके बाद इसको बैठा लूँगा। तो ऐसे करके इसकी साउंड की प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये सब तो हो गया है, अब यहाँ पर जो कैपेसिटर हमने निकाला था उसको हम यहाँ पे लगा लेंगे। इसके प्लस और माइनस को देख के इसको हम वैसे ही दोबारा से यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे। तो इसकी लेग में पहले क्लीन कर लेता हूँ, हाँ क्लीन हो चुकी है, अब यहाँ पर वैसे हमने इसको सोल्डरिंग कर लेना जैसे हमने इसको निकाला था। चलिए इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ पहले, ये क्लीन हो चुका है, अब इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेना है। यहाँ पर जो प्रिंट दे रखा है, मतलब ये प्रिंट वाला एरिया है वो माइनस का है, ये है माइनस का, तो ऐसे हमने इसको अटैच कर लेना होगा। चलिए मैं इसको जल्दी से लगा लेता हूँ सेट करके, फिर आगे दिखाता हूँ। तो चलिए फिर अब इसको मैं यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ, टेस्ट करा के नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टीवी वगैरह कुछ है नहीं, सेटअप पर होता तो आपको दिखा भी देता। तो चलिए आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्यूशन हो जाएगा अगर ये ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक क्या अपनाएंगे, ऐसी ही ख़राब होती है, क्योंकि आईसी का काम ही हर किसी चीज़ में आईसी का मेन रोल होता है, क्योंकि हर फंक्शन को चलाने के लिए उसकी आईसी बनी होती है। साउंड के लिए साउंड आईसी, वीडियो के लिए वीडियो आईसी, वैसे ही हर फंक्शन को चलाने के लिए उसकी एक आईसी होती है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन इस आईसी के द्वारा हो जाता है। तो चलिए फिर इसको पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके जितने भी मैं
कनेक्टर निकाले थे उनको दोबारा से यहाँ पर लगा लेंगे। और हाँ बिल्कुल फिक्स है। और यहाँ पे से एक वायर मैंने काटी हुई थी माइनस की, उसको यहाँ पे सोल्डिंग कर लूँगा। चलिए यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। टेस्ट करवा के तो हाँ ऑन तो ऑलरेडी हो ही रहा था, सिर्फ साउंड का प्रॉब्लम था। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और सोल्डरिंग का ये ट्रिक कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। SMD नहीं होने से आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक लीजिए।